दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक के जो टॉप 20 कॉलेज हैं सरकारी कॉलेज, उनकी लिस्ट क्या है। लिस्ट के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है। ये बात आप ध्यान रख दोस्तों, क्योंकि यदि आप एक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से जो है हमारे जो है राज्य के कौन से टॉप 10 पॉलिटेक्निक है, 20 पॉलिटेक्निक है। तो इस तरीके से आप लोग उसमें दाखिला ले पाएँ, किस तरीके से दाखिला इसमें सुनिश्चित होता है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी को लेकर के आज का ये वीडियो है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करता हूँ आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ से, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो लखनऊ है, जिसको हम GPL के नाम से जानते हैं, ये जो GPL कॉलेज है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक का नंबर वन कॉलेज है। और यदि आप टॉप करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर आपका रैंक बहुत ही अच्छा रहता है, तो आपको जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में अप्रोक्सीमेटली दोस्तों सभी जो है ब्रांचेज चलते हैं। इसमें जो है डिप्लोमा का कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जो कि आपका नहीं चलता, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया। और जो सेकंड नंबर का दोस्तों पॉलिटेक्निक है, इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर आ जाता है और गवर्नमेंट GB पंत पॉलिटेक्निक जो है लखनऊ आ जाता है। यानी कि दूसरे नंबर पे आपके दो पॉलिटेक्निक हैं, एक आपका कानपुर वाला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर आप लोग जानते होंगे, और एक है आपका गवर्नमेंट GB पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ का, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये टॉप 2 के कॉलेज हैं दोस्तों। इन सारे कॉलेजों में यदि आपका मार्क्स बहुत अच्छा रहता है तभी जा करके आप लोगों को जो है एडमिशन मिल पाता है। तीसरे नंबर के मैं कॉलेज की बात करूं तो यह है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, ओके। तो तीसरा नंबर का जो कॉलेज है आपका, यह आपका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद के बाद आप लोग का जो चौथा नंबर का जो कॉलेज है आपका, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर है। यानी कि गोरखपुर जो है आपका फोर्थ नंबर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, टॉप के रैंकिंग की बात करें यदि तो हम, ठीक है। गाज़ियाबाद में आप लोग को यदि आप मैकेनिकल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन से लेकर के और मेंटेनेंस तक, मतलब मैकेनिकल के सारे ब्रांच मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं चलता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में भी लगभग जो है सभी ब्रांचेस चलते हैं। और यहाँ जो पांचवा है आपका अनार देवी खंडवाल महिला पॉलिटेक्निक मथुरा वाला, ये पांचवे नंबर का आपका कॉलेज है। छठे नंबर का पॉलिटेक्निक है आपका GPB जो कहा जाता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा जो है आप लोग का छठे नंबर का टॉप कॉलेज है। सातवें की बात करो दोस्तों तो ये जो है ये भी लखनऊ का ही कॉलेज है और ये है आपका गर्ल्स पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ का। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों गर्ल्स पॉलिटेक्निक है, तो इसमें केवल गर्ल्स का एडमिशन होता है, इसमें कोई बॉयज एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी जो है टॉप का ही कॉलेज में आता है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है लखनऊ का। उसके बाद आठवें नंबर का कॉलेज है आपका कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बदलपुर का। इसमें भी जो है ये गर्ल्स पॉलिटेक्निक है और ये जो आठवें नंबर का है, यानी टॉप 10 के अंतर्गत ये सब पॉलिटेक्निक आती हैं। मैनपुरी और मुरादाबाद का जो पॉलिटेक्निक है वो भी क्रमशः आपका 9वें नंबर और 10वें नंबर पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो 11वें नंबर से जो भी पॉलिटेक्निक आएगा वो सारे टॉप 10 के बाहर के कॉलेज है, लेकिन आपका रैंक में ये भी एग्जिस्ट करते हैं जब आप टॉप 20 की बात करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहली बात 11वें नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर का बात आता है, फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद का, फिर आपका गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर का, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद का। इस तरीके से आप देखेंगे तो सहारनपुर बिजनौर गोंडा बरेली झांसी और हाथरस, यानी कि यहाँ का जो जितना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है ये आपके टॉप 20 के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप लोग जब भी काउंसलिंग कराने जाइएगा तो टॉप 20 में यदि नहीं मिलता है फिर भी मैं आपको बहुत सारे कॉलेज को सजेस्ट कर दूंगा जहां से आप जा करके और काउंसलिंग कराएंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इसलिए यदि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है जब भी मैं उस टाइम इन्फॉर्मेशन डालूं जब आप लोगों को कॉलेज की ज़रूरत रहे तो आप लोग को जो है अवेलेबल हो जाए कॉलेज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।